आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो संवाद किसे कहते हैं, साथ ही साथ संवाद के जो कितने प्रकार वो इस वीडियो में देखने वाले साथियों। तो बिना देरी के हम संवाद देख लेते हैं क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली संभाषण को संवाद कहते हैं। मतलब दो नेता बात कर रहे हैं या कोई भी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति बात कर रहे हैं, मतलब उनके बीच होने वाली जो संभाषण को क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं। संवाद जितना सहज स्वाभाविक तथा सजीव होगा उतना ही अच्छा होगा। क्या होगा? संवाद जो जितना सहज सरल स्वाभाविक तथा सजीव होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा माना जाएगा। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ से जो आपका है संवाद एक बार और पूरा देख लीजिए, फिर इनके जो प्रकार और संवाद लेखन पर चलते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली संभाषण को संवाद कहते हैं। संवाद जितना सहज स्वाभाविक तथा सजीव होगा उतना ही अच्छा होगा। क्लियर है? अब देखेंगे संवाद लेखन की परिभाषा। ये है आपके संवाद लेखन की, आपको यहाँ संवाद बता दिया, ये संवाद लेखन है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली, वहां पर क्या था, संवाद में दो या दो से अधिक के बीच होने वाली संभाषण को संवाद कहते हैं। अब यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है, क्या है मतलब वहां पर क्या था, सिर्फ संभाषण को ही क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। और यहाँ भी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब वार्तालाप मतलब बात करते हैं उनको लिखा जाता है, बस लिखना लिखा जाता है, उसी संवाद लेखन कहते हैं। तो पूरा देख लीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो क्या कहलाएगा, संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन का मूल शब्द क्या है, वाद है। इसमें हम एक उपसर्ग लगा देते, क्या, सम उपसर्ग लगाते हैं जिससे इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है और क्या हो जाता है, संवाद हो जाता है। तो यही लिखा है, संवाद का मूल शब्द वाद है जिसमें सम उपसर्ग जोड़कर उस पर संवाद शब्द बनाता है जिसका अर्थ बातचीत करना। क्या है? इसका अर्थ बातचीत करना। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिएगा। और अब देखने वाले हम जो संवाद लेखन के जो प्रकार है वो प्रकार भी तो इसी वीडियो में देखेंगे। क्लियर है साथियों? तो इस प्रकार आपको जो यहाँ संवाद लेखन है इसके प्रकार आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखोगे, संवाद लेखन के कितने प्रकार है, चार है। चारों प्रकार को अच्छे से समझाऊंगा। तो फटाफट हम जो देख रहे थे संवाद लेखन के चार प्रकार देख लेते हैं। क्या है? पहला आपके सामने रहेगा सामान्य संवाद लेखन। मतलब सामान्य मतलब साधारण, जो सामान्य है साधारण मतलब सामान्य संवाद लेखन। क्लियर है? दूसरा आप देखोगे औपचारिक कार्य व्यापार के लिए संवाद लेखन। मतलब औपचारिक कार्य व्यापार मतलब एक तो सामान्य संवाद हो गया, दूसरा आप देखोगे तो औपचारिक व्यापार मतलब आप किसी से व्यापार कर रहे हो। मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, चाय का व्यापार करते हो या गोली दवाई का उपयोग करते हैं मतलब उसका प्रचार करना, तो सामान्य संवाद हो गया एक तो। दूसरा औपचारिक कार्य या व्यापारिक के लिए संवाद। तीसरा है विचार व्यक्ति करने वाले संवाद लेखन। मतलब विचार कर रहे हो किसी के सामने, किसी के सामने व्यापार कर रहे हो, एक तो सामान्य होगा, दूसरा किसी के सामने आप व्यापार कर रहे हो, तीसरा है किसी से आप विचार विमर्श कर रहे हो, चौथा है भावना, किसी से आप भावनाओं में बात कर रहे हो कि संवाद लेखन क्या है। तो भावनाएं व्यक्त करने वाले संवाद। क्लियर है साथियों? तो अच्छे से एक बार और पूरा देख लीजिए, सामान्य संवाद लेखन, दूसरा है औपचारिक कार्य व्यापारिक के लिए संवाद लेखन, तीसरा है विचार व्यक्त करने वाले संवादन लेखन, चौथा है भावनाएं व्यक्त करने वाले संवादन लेखन। तो अच्छे से यहाँ पर संवादन लेखन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके यहाँ पर संवाद थे उनका भी ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर संवाद देख लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका संवादन लेखन है, लेखन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपके यहाँ पर संवादन लेखन के जो प्रकार है उनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में साथियों, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करनी है। यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, उसका आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ एजुकेशन से रिलेटिव डाले जाते हैं और आपको अच्छे से मदद मिले। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है। तो पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिए।